मैं हुसैन सुल्तान रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूँ। आज एक फिर एक नई खबर के साथ में आपके सामने हाजिर है। आज की हमारी खास खबर यह है सर, रणभूमि न्यूज़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आपसे 15 अगस्त के अवसर पर मिलने आए और ये देखेंगे कि नियोन हॉस्पिटल में पिछले 2 सालों से जो लोगों के लिए अहम भूमिका अंजाम दिए कल कोविड महामारी के दौरान जो काम कर रहे हैं, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं डॉक्टर सुशील दुबे, डायरेक्टर नियोन हॉस्पिटल। आपको ये बताना चाहता हूँ कि पिछले 2 सालों से पूरी दुनिया जो कोविड से सफ़र कर रही है, इसमें हम लोगों ने नियोन हॉस्पिटल ने आसपास के पिछले 2 सालों में तकरीबन 10,000 लोगों को ठीक किया है। और लोगों को हो नहीं, इसलिए हमने अब तक 20,000 से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। इस 2 साल में जो हमारे पास सारे डिपार्टमेंट कंटिन्यूस चल रहे थे, उसमें से जो हमारा सबसे बेस्ट डिपार्टमेंट रहा है वो है ICU, जिसमें 24/7 डॉक्टर्स अवेलेबल हैं। हमारे पास 2 फुल टाइमर फिजिशियन हैं, डॉक्टर संतोष द्विवेदी और डॉक्टर अनिल काडिया। हमारे पास हॉस्पिटल के अंदर ही डोंबिवली का सबसे एडवांस सिटी स्कैन अवेलेबल है, 64 स्लाइस का, और हम ICU में ही डायलिसिस कर लेते हैं। तो इस तरह की सुविधाओं से हॉस्पिटल जो है, हॉस्पिटल का जो ICU है वो पूरी तरह लैस है। इन सब के अलावा हमारा जो ऑपरेशन थिएटर है, जो पिछले 2 सालों में कोविड के दौरान भी हमने तकरीबन 100 से ज़्यादा सर्जरी की हैं, जिसमें किडनी का ट्यूमर निकालने से लेके छोटी से छोटी बायोप्सी तक हैं। इसके अलावा हमारी जो लेबोरेटरी है वो NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी है, जिसमें एक स्टैंडर्ड ऑफ ब्लड टेस्ट, एक स्टैंडर्ड के हिसाब से ही सारे ब्लड टेस्ट किए जाते हैं। और यहाँ से बाहर जाने के लिए, किसी भी ब्लड टेस्ट के लिए पेशेंट को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इन सब चीज़ों के दौरान हमारा जो 4 यूनिट का डायलिसिस है, जिसमें कोविड और नॉन कोविड, पिछले 2 सालों से हम लोगों ने ये सुविधा लोगों को दी है। सर, क्या कहोगे कि जिस तरीके से कोविड आहिस्ता आहिस्ता कम हो रहा है और आप जो 2 सालों से इतनी जो भूमिका अदा कर रहे हैं, उसको लेकर आगे की क्या प्लानिंग है? हमारा जो सबसे पहला और जो मेन उद्देश्य है कि वापस से लोगों को कोविड नहीं हो, इसलिए हमारा वैक्सीनेशन जो प्रोग्राम है, इसे पूरे साल तक हम इसे कंटिन्यूसली रन करेंगे। इसके अलावा जो हमारे डिपार्टमेंट इस कोविड के दौरान नहीं डेवलप हो पाए, अब हम उन्हें चालू करने का प्रयास कर रहे हैं। अब इस तकरीबन 1 महीने के अंदर ही हम लोग, हमारा कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट जहाँ पे कैथ लैब और बाईपास सर्जरी का डिपार्टमेंट चालू करने वाले हैं। इसी के साथ साथ हम लोगों ने पिछले 15 दिन से जो है हमारे यहाँ पे गायनेक डिपार्टमेंट, डिलीवरी डिपार्टमेंट, ये सब चालू किया है। और इसके साथ ही साथ हम 10 बेड का NICU चालू करने वाले हैं, जिसमें हमारे पास तकरीबन 3 नियोनेटोलॉजिस्ट होंगे जो बच्चों के स्पेशलिस्ट होते हैं, 6 पैदा होते हुए और तकरीबन 6 महीने के दौरान तक के, जो कि KM से पासड आउट हैं, डॉक्टर सूरज जोशी और बहुत सारे नामी गिरामी डॉक्टर्स हैं जो इसे ज्वाइन करने वाले हैं। अगर यह सारी सुविधाएं और सब टाइमलाइन से पूरी होती हैं, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है यहाँ पर ही लोगों को मुम्ब्रा और यहाँ से मुम्ब्रा के आसपास कल्याण, डोंबिवली, इवन करजत तक के लोगों के लिए जो किडनी ट्रांसप्लांट की सुविधा है वो थाने के अलावा और आगे की तरफ अवेलेबल है, उसे हम यहाँ पर अवेलेबल कराने की कोशिश करने वाले हैं। इसी तरह और जिस तरह धीरे धीरे डिपार्टमेंट डेवलप होते जाएंगे, हम आगे की तरह और एडवांस चीज़ों को यहाँ पर लाने की कोशिश करेंगे। क्या कहेंगे जिसको लेकर बहुत सारे ऐसा देखा जाता है कि अक्सर एडमिट से पहले बहुत सारे टेस्ट कराए जाते हैं, लेकिन उस टेस्ट यहाँ पे मुम्ब्रा और आसपास के जो यहाँ पे अवेलेबल ना होने की वजह से लोगों को बाहर जाना पड़ता, तो किस तरीके की सुविधा यहाँ पे आपकी उपलब्ध कराई? जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ और मैंने इसके पहले भी बताया हुआ है कि हमारी जो लेबोरेटरी है NABL एक्रेडिटेड लैब, मतलब यहाँ पर सारे के सारे जो भी महंगे और जो भी बहुत ही कम लैब टेस्ट में किए जाते हैं, वो सारे के सारे ब्लड टेस्ट हमारे यहाँ ही होते हैं। इन सब के अलावा हमारे पास सोनोग्राफी, एक्सरे
और इन सब में जो सबसे ज़्यादा एडवांस है वो 64 स्लाइस का स्कैन जो हमारे यहाँ हॉस्पिटल के अंदर ही है, जिसमें ज़रूरत पड़ने पर हम कार्डियक एंजियोग्राफी भी कर सकते हैं, जो कि यहाँ आसपास इवन आप कह लीजिए मुम्ब्रा, दिवा या फिर कल्याण डोंबिवली, जो यहाँ के किसी भी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। तो इस तरह हमने जो है अपने हॉस्पिटल को ज़रूरत की जितनी भी मूलभूत सुविधाएं हैं उन सबसे लैस किया हुआ है। सर क्या कहोगे जिस तरीके से न्यूयॉर्क हॉस्पिटल का नाम आसपास के इलाकों में कलवा, मुम्ब्रा और दिवा, कल्याण डोंबिवली में है, किस तरीके की यहाँ पे सुविधा है और क्या सुविधा होने वाली है? नमस्ते, अनिकेत माने, वाइस प्रेसिडेंट न्यून हॉस्पिटल। पिछले 1.5 साल में न्यून ने अब तक नाना कह के तो एक 10 से 12 हज़ार पेशेंट ठीक किया है, जिसमें कोविड नॉन कोविड ये दोनों भी है जो एंड पेशेंट लोग का सेटिस्फेक्शन बहुत था ट्रीटमेंट में। हम लोग का मॉर्टेलिटी रेट भी बाकी हॉस्पिटल से भी बहुत कम था। जैसे रिव्यू की बात की जाए तो अब हमारा गूगल पर रिव्यू भी देख सकते हैं, आज भी न्यून को 4.5 स्टार का रेटिंग है न्यून। अभी जैसे आगे का प्लानिंग है कि आगे अभी हम लोग ऐसा है कि 2 अलग अलग एंट्रेंस है अलग अलग कैटेगरी के पेशेंट्स के लिए, जैसे कि इन्फेक्शन स्प्रेड ना हो वो चीज़ों के लिए। फ्लोर्स भी अलग है अलग अलग पेशेंट के लिए एंड स्टाफ भी सबके लिए अलग होता है। और ये न्यून में हम लोग के पास राउंड द क्लॉक इंटेंसिविस्ट एंड फिजिशियन डॉक्टर MD ये अवेलेबल रहते हैं। मतलब कभी भी कौन सा भी एक्सीडेंशियल केस, ट्रॉमा केस कोई भी आ जाए तो उसको हम लोग सब हैंडल कर सकते हैं। एंड हम लोग को जो ICU है, ICU ये पूरा 12 का 12 बेड इक्विप विद द वेंटिलेटर है एंड उसमें 24 घंटे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं। एंड जैसे अभी फ्यूचर प्लानिंग है कि हम लोग के पास पिछले अभी आगे 1.5 महीने में कैथलैब आने वाला है। जैसे कैथलैब की सुविधा से इधर के लोगों को एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी ये सब सुविधा मिलेगी एंड उसके दाम भी बहुत ही किफ़ायती है कि आम आदमी भी वो कर सकता है वो चीज़ें। पिछले 1 साल न्यून ये 40 बेड सेटअप था, बट ये हम लोग की सुविधा के वजह से एंड आप लोग सब लोग के सपोर्ट के वजह से अभी न्यून ये 100 बेड का सेटअप हो गया है, जिसके अंदर अभी सब स्पेशलिटी भी अवेलेबल है। मतलब ये कोई स्पेशलिटी ये एरिया में ऐसी नहीं है जो हम लोग के पास अवेलेबल नहीं है, सब डॉक्टर्स है एंड राउंड द क्लॉक हम लोग ऑपरेशन सब करने के लिए सब लोग रेडी हैं। हम लोग का एम्बुलेंस भी इनफैक्ट वेल इक्विप्ड है, जिसके अंदर वेंटिलेटर सपोर्ट है। मतलब कितना भी सीरियस पेशेंट हो हम लोग उसको शिफ्ट कर सकते हैं प्रॉपरली एक हॉस्पिटल से लेकर दूसरे हॉस्पिटल तक एंड स्टेबली उनको ला सकते हैं। एम्बुलेंस के अंदर भी एक इंटेंसिविस्ट डॉक्टर हमेशा के लिए बैठा रहता है एंड ये हॉस्पिटल 24 आवर्स इधर के लोगों के लिए सेवा के लिए बैठा है। क्या कहोगे जिस तरीके से हॉस्पिटल में जो पेशेंट आता है एक डर रहता है, तो और खास करके कोरोना महामारी में अक्सर ऐसा होता था कि सोचते थे कि हॉस्पिटल में एडमिट होगा तो दोबारा वापस नहीं आएगा। जब पेशेंट ठीक होता है तो सर क्या कहोगे उसमें, क्या उसका रिएक्शन होता है? सबसे पहले जो पेशेंट आता है तो हम लोग पहले पर्सनली पेशेंट को काउंसिल करते हैं रिलेटिव के पहले, मतलब पहले उनको एक्सप्लेन करते हैं कि ये बात से इतना डरना नहीं है, ये सब चीज़ों पर प्रॉपर दवाई है, सब ट्रीटमेंट हुआ जाता है, सब हो जाता है। पेशेंट का प्रॉपर हर रोज़ काउंसलिंग होता है, सब डॉक्टर पेशेंट को समझा के दिखाते हैं कि उनके रिपोर्ट्स कैसे हैं, वो प्रोग्रेस कैसा कर रहे हैं, तो पेशेंट का वो पॉजिटिव साइड से उनका रिकवरी भी अच्छा होता है। ऊपर से हम लोग के पास डाइटिशियन भी अवेलेबल रहता है, तो खाना वगैरह भी सब प्रॉपर रहता है उनके लिए, फिजियोथेरेपी रहती है, तो पेशेंट भी वैसा मेंटली एंड फिजिकली भी फिट रहता है। एंड एक साइकेट्रिस्ट भी रहती है पेशेंट के लिए कंटिन्यूस बात करने के लिए उनसे कि उनको कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, कुछ तकलीफ हो रही है, तो उनको तभी काउंसिल करके प्रॉपर ये करके देने के लिए। एंड अगर कोई रिलेटिव मिल नहीं सकता है, कुछ पॉसिबल नहीं है, तो उनको वीडियो कॉल किया जाता है रिलेटिव को, पेशेंट का सब कंडीशन बताया हुआ जाता है एंड स्लोली पेशेंट दवाई से ज़्यादा खुद के मन से ही ठीक हो जाता है, बाद में हमें दवाई दे के चला जाता है।